बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंफॉर्मेटिव वर्ल्ड में खुश आमदीद। पाकिस्तानियों में टैलेंट की कोई कमी नहीं और दुनिया का कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं जहां पाकिस्तानियों ने अपनी सलाहियतों का लोहा ना मनवाया हो। पाकिस्तानी तुलबा ने भी हमेशा ऐसे हैरतअंगेज कारनामे सर अंजाम दिए हैं जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हुआ बल्कि दुनिया भी हैरत सदा रह गई। ऐसा ही एक हैरान कुन कारनामा पाकिस्तान के होनहार तलब इलम मोहम्मद अब्दुल्ला ने सर अंजाम दिया। ACCA एग्जाम ग्लोबली हेल्ड किया जाता है जिसमें दुनिया भर से लाखों स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। सितंबर 2020 में होने वाले ACCA एग्जाम में दुनिया भर के 179 ममालिक के तुलबा ने शिरकत की। इस इम्तिहान में लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के जहीन तरीन तालिब इलम मोहम्मद अब्दुल्ला ने सबसे ज्यादा नंबर हासिल करते हुए दुनिया के तमाम स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ दिया और यूं मोहम्मद अब्दुल्ला ACCA ग्लोबल प्राइज विनर अवार्ड हासिल करने में कामयाब रहे। पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले होनहार तालिब इलम मोहम्मद अब्दुल्ला लम्स यूनिवर्सिटी में ACCA एम्बेडेड BSc अकाउंटिंग एंड फिनांस प्रोग्राम कर रहे हैं। इस शानदार कामयाबी के बाद मोहम्मद अब्दुल्ला का कहना था कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और मिडिल क्लास फैमिलीज को सर्वाइव करने के लिए बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और मैंने इन चैलेंजेस का हिम्मत से मुकाबला करते हुए कामयाबी हासिल की। मोहम्मद अब्दुल्ला का मजीद कहना था कि मुस्तकबिल में इनका मकसद मुआशी में मस्बत तब्दीली लाना और पसमानदा तबकात को मजबूत करना है। नौजवान तुलबा को पैगाम देते हुए मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा कि वो खुद को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें, वो भी मेहनत करते हुए बहुत सी नाकाबले यकीन कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तानी हीरो की दास्तान अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्द मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। मजीद दिलचस्प हैरत अंगेज और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।